तो चलिए आगे। हमारे पास जिस जानवर ने डेला डाला हुआ है वो है सांबर हिरण, ठीक है असद भाई? आगे आगे थोड़ा सा जी। तो इसके बारे में बताते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, इस जू में आपको ना हिरण की बहुत सारी किस्में मिलेंगी, ठीक है जी। क्योंकि ये ना बिजनेस भी करते हैं, पालते हैं हिरण को, ठीक है बच्चे लेके आते हैं पालते हैं, ठीक है उनकी जो है जनरेशन बढ़ाते हैं और बेचते हैं, ये बिजनेस भी है, इसलिए यहाँ ना आपको काफी किस्में मिलेंगी इसकी। तो अब हम बताते हैं कि ये आपको ना कौन कौन से मुल्क में ज्यादा मिलेगी, ठीक है पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, चीन और फिलीपींस, ठीक है। तो इसकी खुराक के बारे में बात करेंगे कि पत्ते, घास और चने, ठीक है इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। तो आए इसकी आप फोटोज दिखाएं हमारे व्यूवर को। तो इस तरह की जो है ना ये सांबर हिरन है, ठीक है वो सामरी जादूगर नहीं होता था जैसे बड़े बड़े सिंगों वाला, तो उसी तरह खूबसूरत है। पर जगह की जो है ना इन्होंने कोई इतनी खास साफ सुथरी नहीं रखी हुई, लेकिन जानवर है ठीक है, वो जगह अच्छी भी होगी तो उसका यही हाल कर देंगे। मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मैनेजमेंट ठीक है यार, असल में बात ये है कि जिसे इस चीज़ों के बारे में नहीं पता ना वो तो 100 नुक्स निकालेगा इसमें से, ठीक है। जो पालते रहते हैं उन्हें पता है कि इन्हें किस जगह पे रखना है, ठीक है। हम सफाई की बात करें तो हम क्या चिप्स से लगवाते नीचे, ठीक है वो तो उस दर नहीं रह सकेंगे, लेकिन इन्हें ज्यादा पता है इन्हें कौन सा माहौल चाहिए, कैसी प्लेस चाहिए, कि किस तरह का जो है वो हवा का सिस्टम और ये वो, ठीक है। तो चलें असद भाई आगे चलते हैं। अब जो सींग होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो बांस के अंदर जो है वो उसके सींग फंस रहे हैं और बांस उसने तोड़ दिया, ठीक है। वैसे भी हिरन के पास जो मजबूती वाली जो चीज़ होती है वो उसके पाँव और सींग ही होते हैं, ऐसे ही ना सब भाई मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसे। काफ़ी देर बाद बोल रहे हैं आप, चुप चुप आके वीडियो बना रहे हैं बस। चलें आगे चलते हैं। आप अच्छा मजीद आप इस के बारे में कुछ बताएं। चलो आगे चलते हैं, साथ साथ बताते भी हैं। तो ये ज़ू जो है ना ये भावल नगर में है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है, हम तो जब से पैदा हुए हैं इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो